देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें एक फंक्शन गिवन है वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसकी रेंज देखते हैं कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, अगर हमें इसकी रेंज मिल जाएगी इसकी, तो हम ये बता सकते हैं कि मेरा कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स के अंदर आप जो भी डालोगे उसकी अगर रेंज पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज। ठीक है, तो अब देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज देखने के लिए आप एक चीज इसको कर सकते हो, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब हम इसका बेसिकली होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की कमी है तो प्लस 1 ऐड किया और माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये देखो क्या बन गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक माइनस 1। अब फिर से माइनस को अंदर भेज दो तो ये बेसिकली क्या बन गया, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी रेंज निकालना इजी है, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेट अस से इसको मैं कोई फंक्शन जी एक्स मान लेता हूँ, ये हो गया जी एक्स। अब देखो जी एक्स हमारा मिनिमम कब होगा, जी एक्स क्या है, 1 माइनस समथिंग, तो जी एक्स मिनिमम कब होगा, जब ये वाली चीज मेरी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है ना, और ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, सिंस यहाँ पे एक्स में कोई कंडीशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, और कॉट इनवर्स की देखो इसमें एक्स की कंडीशन क्या हो सकती थी, अगर ये कॉट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स होता तो पहले हम उसकी डोमेन चेक करते, लेकिन ये कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग है तो कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, एक्स बिलोंग टू आर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी डोमेन होती है एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स बिलोंग टू आर में हमें इसकी रेंज देखनी है। ये बेसिकली हमने इसको ऐसा लिखा, तो ये मिनिमम कब होगा, जब एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, 1 माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी को, तो जी एक्स मिनिमम क्या होगा, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एग्जैक्ट माइनस इन्फिनिटी तो होना नहीं है कभी। ठीक है, अब देखो जी एक्स मैक्सिमम कब होगा, ये क्या हो रहा है, 1 माइनस सम नंबर, तो मैक्सिमम कब होगा, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ऐसा तो केस कभी नहीं आएगा कि ये नेगेटिव हो जाए और ये नेगेटिव नेगेटिव साइन प्लस हो जाए, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 एक्स इक्वल टू 1 पे। तो ये जब 0 होगा तो जी एक्स मैक्सिमम होगा यानी 1। तो जी एक्स की रेंज क्या आ गई, जी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ये है माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, 1 पे क्लोज। तो यहाँ पे देखो, अब कॉट इनवर्स की बात करते हैं फिर से, y इक्वल्स टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कॉट इनवर्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो, इसको ऐसा मान लो कॉट इनवर्स t मान लो इसको। ठीक है ना, बेस्ट ये रहेगा, इसको कॉट इनवर्स t मान लो, कॉट इनवर्स t, वेयर t इज लाइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब अगर मेरा t माइनस इन्फिनिटी टू 1 है तो कॉट इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अगर ये और अच्छे से देखना है तो इसका हम ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एनीथिंग की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, अगर सिर्फ कॉट इनवर्स एक्स होता तो 0 से पाई होता, अगर एक्स बिलोंग टू आर होता, लेकिन एक्स यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से 1। तो ये कुछ ऐसा होता है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट होता है। ठीक है, इस पे कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आती है, पाई बाय 2, और ये इस तरह से जाता है, सीधा सीधा जाता है ये, और ये वाली लाइन होती है मेरी पाई की लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखो हमें ये किसका मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ मैंने बनाया है कॉट इनवर्स टी का, ऐसा ही होता है। अब टी माइनस इन्फिनिटी से 1 जा रहा है, टी माइनस इन्फिनिटी से 1 यानी यहाँ से लेके 1, 1 कहीं यहाँ पे आएगा, 1 पे कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 4। तो यहाँ से जितने भी x हैं ये सारे x कवर करते हुए 1 तक जाना है, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कवर करने में, 1 तक जाने में कॉट इनवर्स x की क्या क्या रेंज कवर हो गई, पाई बाय 4 से लेके ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ से पूरा एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स मेरा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 में, तो कॉट इनवर्स ये कवर हुआ, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, वाई बिलोंग टू
पाई बाय फोर पे तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, पाई तक, मैक्सिमम वैल्यू पाई है, पाई पे विथ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गई इस क्वेश्चन में जो पूछा था उसकी रेंज।